नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंडशिप इन प्रेडिक्शन में। दोस्तों हम कवर करने वाले हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग T20 का मैच नंबर 17, जो कि दोस्तों वो खेला जाएगा सिलहट स्ट्राइकर वर्सेस दुरुदंटो ढाका के बीच। डी प्लेयर्स करेंगे ब्रूम फुल स्टेप्स दिन पो। दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टेट्स अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला हमारा, वो भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो लाइक करके शुरुआत करना। यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले मैचेस की वीडियो टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आपने जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों कभी कभार लिंक वर्क ना करें तो आप हमें अपने टेलीग्राम पर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। जाके अपने टेलीग्राम ऐप पे आप सर्च करें @realfwp। जब आप सर्च करोगे आपको फैंसी बिन प्रेडिक्शन का चैनल दिख जाएगा। 24,000 के आसपास सब्सक्राइबर का चैनल होगा, वही हमारा रियल चैनल है, उसी को आपने ज्वाइन करना। बात करें दोस्तों मैच की, तो मैच सबसे कुछ देर बाद दोपहर में 1:30 से शुरू होगा और दोस्तों मैच होने वाला है सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बांग्लादेश के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों की पिच की, तो काफ़ी सारे मैच दोस्तों इस ग्राउंड पे खेले गए इस टूर्नामेंट के अभी सीजन, जहाँ पे एक बैटिंग विकेट में देखने को मिला है। बाउंड्रीज छोटी दिखी लेकिन दोस्तों पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को यहाँ पे ठीक ठाक मदद थी। ओवरऑल विकेट आप बैलेंस कह सकते हैं, लेकिन बैटर्स को ठीक ठाक एडवांटेज यहाँ पे रहता है। हालांकि दोस्तों इस टूर्नामेंट के जो शुरुआती मैचेस खेले गए थे शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए थे, तो वहाँ से यहाँ का विकेट काफ़ी बेहतर है और आप एक बैलेंस विकेट मान के अपनी टीम को बनाइएगा, जिसमें जो बैट्समैन अच्छा खेलेंगे वो ठीक ठाक स्कोर जरूर यहाँ पे करेंगे। हालांकि यहाँ पे दोस्तों आफ्टरनून का गेम है, तो बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड में ज़्यादा कोई मतलब रहेगा नहीं। 38 जो T20 मैच ग्राउंड पर खेले गए हैं, 19 मैच बैटिंग फर्स्ट ने जीते, 19 मैच बैटिंग सेकंड ने जीते हैं। 165 दोस्तों यहाँ पर एवरेज स्कोर है। आप हाइस्ट टोटल लोएस्ट टोटल भी यहाँ पे देख सकते हैं। हाइस्ट टोटल 214 का है, मतलब यहाँ पे बड़े स्कोर भी देखने को बनते हैं। आप स्कोरिंग पैटर्न भी देख सकते हैं, 150 के नीचे दोस्तों यहाँ पे 13 बार स्कोर हुआ है, 150 से 169 के बीच यहाँ पे 9 बार स्कोर हुआ है और दोस्तों यहाँ पे 170 से 189 के बीच 7 बार, 190 प्लस दोस्तों भी यहाँ पे 9 बार बना है। मतलब जो टीमें अच्छा खेलती है तो यहाँ पे बड़ा स्कोर भी लग जाता है। ये मतलब टिपिकल बांग्लादेश वाला विकेट नहीं है कि आपको एकदम लो स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले, तो यहाँ पे ठीक ठाक स्कोर भी आप देख सकते हैं टीमें अच्छा खेलती हैं। तो ओवरऑल दोस्तों जो मेरा अनुभव कहता है, आप 150 से 170 के रेंज में स्कोरिंग देखेंगे, इस पिच पे इसी रेंज में आपको स्कोर देखने को मिलेगा। पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिलहट स्ट्राइकर्स की, जिनका बहुत बुरा हार है। कोई भी टीम आ रही इनको बजा के जा रही, ये मतलब इनकी टीम कुछ भी नहीं कर पा रही। उनमें सबसे बड़ी मतलब इनकी टीम मैनेजमेंट, कोच, कैप्टन, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 5 मैच खेले हैं, 5 को 5 मैच हार गई है। ये टीम के जो अच्छे प्लेयर हैं ना, जो परफॉर्म करते हैं, अगले मैच में उनको रेस्ट देना बनता है, ये टीम का सबसे पहला लॉजिक है। इस टीम के जो सबसे बेहतरीन प्लेयर रहे, मैं आपको बता दूं, हैरी टिक्टर, जो पहला मैच खेले थे 26 रन की, 3 ओवर की बॉलिंग कराई थी, इनको अगले 2 मैच में नहीं खिलाया गया। लास्ट मैच में फिर नहीं खिलाया गया, सेकंड लास्ट मैच में मौका मिला उसमें इस बंदे ने 45 रन किए, 2 ओवर की बॉलिंग करा के 1 विकेट भी निकाला, लेकिन फिर भी इसको लास्ट मैच नहीं खिलाया गया। अब क्या कारण है, मतलब कुछ जो भी मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको ये टीम खिलाती ही नहीं है। बेन गेटिंग ने भी बॉलिंग बैटिंग दोनों से कंट्रीब्यूट किया था कुछ मैचेज में। तंजीम साकिब भी हर मैच में ऑलमोस्ट 1-2 विकेट लेके जा रहे थे। तो ये सारे दुसान हेमंता ने एक मैच में यहाँ पे 3 विकेट निकाले थे 4 ओवर पे, लेकिन उनको उसके बाद सिर्फ 1 ही मैच में मौका मिला। तो मतलब सिंपल सा लॉजिक है भाई, ये टीम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो टीम अपने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को नहीं खिलाती और एकदम मतलब हर मैच में इस टीम के पास 2-3 चेंजेस जरूर ही टीम करती है। अपने मेन प्लेयर्स पर भरोसा ही नहीं बहुत ज़्यादा दिखाती, वही कारण है इस टीम का मेन हारने का। और दूसरा है इनके टॉप ऑर्डर के बैटर फॉर्म पे नहीं चल रहे। इस टीम के लिए आपको ओपन करते देखेंगे हुसैन सांतो, नाजमिन हुसैन सांतो पूरा नाम है, इनके साथ लास्ट मैच में ओपन करने आए थे शमसुर रहमान, जो कि एक ओपनर है। हालांकि टूर्नामेंट के शुरुआत में मोहम्मद मिथुन से लोग ओपन करा रहे थे, लेकिन अभी 5 मैच टीम हार गई है, मतलब समझ सकते हैं कि इनकी टीम हो सकता है क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। कुछ चमत्कार ही करना पड़ेगा इस टीम को तभी क्वालिफाई करेगी, नहीं ये टीम ऐसे ही आपको एक्सपेरिमेंट करती हुई नजर आएगी। शमसुर रहमान ने जरूर 25 रन लास्ट गेम बनाया, लेकिन इनके फर्स्ट चॉइस ओपनर नहीं थे। इस टूर्नामेंट से पहले करीब इनका T20 में 22 का एवरेज था। संतो ने जो यहाँ पे 5 मैच खेले हैं ना, आप देखिए 3 प्लेयर आखिरी के 3 इनिंग में अंडर 10 आउट हुए हैं। उसके पहले 14 और 36 के 2 स्कोर थे, जिसमें से एक ही अच्छा स्कोर है 36 रन का आखिरी के 5 इनिंग में। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है, फिर भी अपनी टीम में आप लेके जाइए। इस टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज आप कह सकते हैं, बांग्लादेश के लिए भी खेलते हैं तो ये अच्छे बैटर हैं। तो मेरे हिसाब से आप नाजमिन हुसैन संतो को अपनी टीम में जरूर रखें। शमसुर रहमान को आप एक बार छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। नंबर 3 पे आएंगे जाकिर हसन, जिन्होंने कुछ अच्छी इनिंग खेली है लास्ट गेम में 46, उसके पहले 31 फिर 41 1 और 70। इन जो 5 मैच खेले सिर्फ इनमें एक ही फेलियर आया, वो 1 रन का, बाकी के 4 मैच में अच्छा स्कोर किया। तो ये काफ़ी बेहतरीन पिक रहने वाले हैं, विकेट कीपिंग सेक्शन से आप इनको जरूर लेके जाएगा। नंबर 4 पे लास्ट मैच में ऐसे मुर्तजा, लेकिन आमतौर पर इनका बैटिंग ऑर्डर रहता नहीं, कभी भी नीचे जा सकते हैं। बॉलिंग एक ही मैच में इसने 4 ओवर डाले हैं, उसके अलावा लास्ट गेम में बॉलिंग नहीं कराई, उसके पहले 1 ओवर डाला, बीच में गेम खेला था वो बॉलिंग नहीं कराई थी, तो उनके ओवर भी कटते रहते हैं, इसलिए आप इनको ग्राउंड लेके रोटेट करिएगा। बेनी हॉल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। CBC के भी आपके लिए बढ़िया ऑप्शन इस मैच में रहने वाले हैं, क्योंकि आपको मिडल ऑर्डर के अंदर बैटिंग करते नजर आएंगे। इस टीम को बैटिंग भी वीक है तो बैटिंग भी आ जाएगा। अब इन्होंने भी 2 मैच नहीं खेले,
पांच में से ये सिर्फ तीन मैच अब तक खेले हैं, उसमें क्या किया, पहले गेम में उन्होंने कुछ खास नहीं किया था, जो दूसरा गेम खेला था उसमें इस बंदे ने 37 रन बनाए थे प्लस 3 ओवर की बॉलिंग कराई थी, फिर दो बीच में दो मैच खेले नहीं, लास्ट गेम में खेला जिसमें 24 रन बनाए और 4 ओवर की बॉलिंग डालकर उन्होंने 3 विकेट निकाले। तो मेरे हिसाब से बढ़िया ऑप्शन आपके लिए कैप्टन वाइस रहने वाले हैं, क्योंकि आपको बैटिंग भी करते हुए नजर आएंगे मिडल ऑर्डर के अंदर, प्लस आपको 3 से लेकर 4 ओवर की बॉलिंग डालते हुए नजर आएंगे, तो बढ़िया सीबीसी का ऑप्शन है, जरूर रखेगा अपनी टीम में। रियान बल्ड को बॉलिंग नहीं मिल रही, बतौर फिनिशर खेल रहे, लास्ट गेम में 1 रन उसको 34/14 करा हुआ, बैटिंग ऑर्डर नीचे रहेगा, तो मेरे हिसाब से आप इनको छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। अरिफुल हक की बात करें दोस्तों, इनका भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा, बैटिंग बॉलिंग दोनों जरूर करते हैं लेकिन बॉलिंग 1-2 ओवर के आसपास ही डालते हैं, और रही बैटिंग की बात तो बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो बहुत ज्यादा स्कोर शायद आपको करते हुए ना दिखें। समित पटेल सीबीसी के अच्छे ऑप्शन है कि लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स कभी भी बैटिंग के लिए प्रमोट हो सकते हैं, पहले गेम में जो उन्होंने 4 रन बनाए थे उसमें नंबर 3 पर बैटिंग करने आए थे, लास्ट गेम में 8 रन किया, एक छक्का भी मारा, तो नीचे आके बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, तो टीम को प्रमोट भी कर सकती है, और जो 3 मैच खेले इस बंदे ने बढ़िया परफॉर्म किया, तीनों मैच में आप इनका परफॉर्मेंस देखिए, 4 ओवर की बॉलिंग उन्होंने तीनों मैच में कराई, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहने वाले हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे, तो बैट फर्स्ट में आप इन्हें सीबीसी भी कर सकते हो। नीचे देखने दोस्तों ऐसे नईम हसन जो कि राइट आर्म ब्रेक डालते हैं, अब इनका लास्ट गेम खेले थे आप इसने 4 ओवर की बॉलिंग कराई थी, उसके पहले दोस्तों खेले नहीं थे, तो मेरे हिसाब से ठीक से ऑप्शन आपके लिए रहेंगे, आप ट्राई कर सकते हो, 3-4 ओवर आपको डालते हुए नजर आएंगे। रिजर्व रहमान को बॉलिंग फर्स्ट में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, राइट आर्म मीडियम डालते हैं, 3 ओवर के आसपास बॉलिंग डालें, लेकिन इनका जो प्लस पॉइंट है डेथ में आके डाल के विकेट निकाल सकते हैं, रिचर्ड इंग्राव के साथ डेथ में भी डाल सकते हैं, इसलिए बॉलिंग फर्स्ट में ठीक विकल्प रहेंगे। रिचर्ड इंग्राव तो भाई आपकी टीम में होने चाहिए, बॉल फर्स्ट करें, इनकी टीम सेकंड करें, दोनों कंडीशन में लेके जाइए। जिम्बाब्वे से आते हैं लेकिन जिम्बाब्वे के बेहतरीन बॉलर हैं, डेथ ओवर के बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, यॉर्कर बहुत अच्छी डालते हैं, लास्ट गेम भी 1 विकेट उसके पहले जब जब खेले हैं इस बंदे ने विकेट निकाल के जरूर दी है, तो सीबीसी के अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट ग्रैंड लीग में आप कैप्टन कैप्टन अपने जरूर बनाएगा। यदि हम बात करें दोस्तों उनके मेन बॉलर्स की, तो उसमें एक रहने वाले रिचर्ड इंग्राव, दूसरे रहने वाले रजाउर रहमान, तो दो बॉलर टीम को हो गए। तीसरे बॉलर की बात करें तो वो रहने वाले ऐसे नईम हसन, चौथे बॉलर रहने वाले हैं समित पटेल, तो 4 इस टीम के मेन बॉलर हैं जो अपने लगभग 16 ओवर डाल के जाएंगे। अब दोस्तों बात करें पांचवें बॉलर की, तो पांचवें बॉलर में टीम के पास रहने वाले हैं बिनी होवेल, लेकिन यदि कुछ ओवर करते हैं तो वो डाल के जा सकते हैं मुर्तजा, या फिर आपको नीचे दिख रहे होंगे अरिफुल हक, वो कुछ ओवर कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने 5 मेन बॉलर बताए, 4-1 यहाँ से बेनी हॉल हो गए, और 4 मैंने आपको जो नीचे बताए थे समित पटेल से आपको नीचे लेके रिचर्ड इंग्राव तक, तो 4 बॉलर हो गए, तो 5 ही मेन बॉलर रहने वाले हैं, तो ये चीज़ आपने देख ली। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम इस मैच की, जो हमारी दूसरी टीम रहने वाली है, इनके बेंच में कुछ प्लेयर्स हैं, देखिए टीम बहुत ज़्यादा चेंजेस करती है, तो मुझे मतलब आप समझ लीजिए प्लेइंग 11 आने के बाद ही पता चलेगा लोग किसको खिलाते हैं, हो सकता है इस मैच में आपको बैटिंग खेलते हुए नजर आएंगे, या फिर हो सकता है हैरी टेक्टर को लोग मौका देने, दुस्तान हेमंता को भी दे सकते हैं, भाई इनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। बात कर लेते हैं दुर्दंटो ढाका की, लेकिन याद दिला दूं जो मेरा फाइनल टीम होगा, फाइनल अपडेट होगा, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट लिंक मिल जाएगा, यदि हमने टेलीग्राम पर आपने ज्वाइन नहीं किया था तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ऑलरेडी दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर 24,000 दोस्त जुड़े हुए हैं, तो आप भी जल्दी से जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऑलरेडी टेलीग्राम पर दोस्तों 24,000 से प्लस दोस्तों में फॉलो कर चुके हैं। बात करें दुर्दंटो ढाका की, तो टीम के लिए आपको ओपन करते देखेंगे सैम, आप इनके साथ ओपन करने आएंगे नईम से। यदि बात करें दोस्तों सैम की, जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, पाकिस्तान से आते हैं, बढ़िया मतलब अच्छे पावर हिटर हैं, प्लस पार्ट टाइम बॉलिंग करना भी जानते हैं, लास्ट गेम में जरूर 1 ओवर डाला, लेकिन बॉलिंग से आप हर बार उम्मीद नहीं कर सकते, बैटिंग से दो गेम खेले हैं, 35/17 का स्कोर किया, अपनी टीम में जरूर रखिएगा, अच्छे पावर हिटर हैं, रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी डेब्यू करा हुआ है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नईम सेख इनके साथ ओपन करने आएंगे, जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, दोनों ही लेफ्ट हैंड है, नईम सेख ने जो 4 मैच खेले हैं 41, 9, 8 और 52 का स्कोर किया, 4 में से 2 अच्छी इनिंग्स इनकी आई हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो, इस टूर्नामेंट से पहले करीब इनका 23 का बैटिंग और था T20 में, तो आप ट्राई कर सकते हो, बुरे ऑप्शन नहीं है, आपको बताओ ओपनर खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 बैटिंग ऑर्डर दोस्तों गुलबदीन नैब का, जो कि अफगानिस्तान से आते हैं, इस टीम के दूसरे ओवरसीज प्लेयर हैं, जो कि राइट हैंड बैटिंग करते हैं, राइट आर्म मीडियम पार्ट टाइम बॉलिंग डाल लेते हैं, लास्ट गेम खेले थे वहाँ पे हालांकि कुछ खास नहीं कर पाए, उन्होंने सिर्फ 3 ही रन किए लेकिन 2 ओवर की बॉलिंग भी कराई थी, तो आज अपने अपनी टीम में आप जरूर रखिएगा, क्योंकि आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आ सकते हैं, नंबर 3 पे आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, साथ में आपको कुछ और की बॉलिंग करते हुए देख सकते हैं, तो ठीक विकल्प आपके लिए रहने वाले हैं। मेहरोब हसन की बात करें, लास्ट गेम में 3 रन बनाए, बॉलिंग सिर्फ 4 ही बॉल डालते, इसलिए रिस्की रहेंगे, इससे पहले ये मतलब बीपीएल के अंदर खेले नहीं है। एलेक्स रॉस की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, बतौर फिनिशर खेल रहे हैं, नंबर 5 के आसपास आ रहे हैं, बड़े शॉट्स नीचे लगा सकते हैं, लास्ट गेम में 21 रन किए 6 स्ट्राइक रेट से, उसके पहले 51 और 11 किया था, 3 मैच जो खेले उसमें से 2 ठीक स्कोर किया है, यहाँ पे इन्होंने 21 और 51 का, तो आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। इरफान सुगर जो टीम के कीपर है, बैटिंग ऑर्डर नीचे रहता है, शुरू के 2 गेम में ठीक स्कोर किया लेकिन आखिरी के 2 गेम में कुछ खास नहीं कर पाए, आप इनको छोड़ सकते हैं। मुसद्दक हुसैन फिर भी ट्राई कर सकते हो, नीचे आके बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता रखते हैं, बांग्लादेश के लिए
खेले हुए हैं। यदि हम बात करें बॉलिंग की तो आखिरी कुछ गेम से ठीक ठाक बॉलिंग करके जा रहे हैं, 2 से 3 ओवर जरूर डाल रहे हैं, तो आपको 2 से लेकर 3 ओवर की बॉलिंग करते हुए रहेंगे, साथ में थोड़ा बैटिंग का बैकअप देंगे, तो एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए रहने वाले हैं, ट्राई कर सकते हैं। तस्किन एक अच्छे बॉलर है, भले ही आखिरी कुछ गेम से बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, लेकिन हाँ आपको 4 ओवर के लगभग बॉलिंग डालते हुए नजर आएंगे 3 से 4, और टीम थोड़ा मैच भी जल्दी हार जा रही है उसका कारण ये भी है, नहीं तो आपको 3 से 4 ओवर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। उस्मान कादरी भी ठीक ठाक लेग बॉलर हैं, 3 से 4 ओवर ये भी बॉलिंग कराएंगे, जब भी मौका मिलता है ठीक परफॉर्म करते हैं, एक आध विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं, और आफत सनी की कभी कभार ओवर कट जाते हैं, लेकिन ये भी ठीक ठाक प्लेयर है, आप इनको ग्राउंड लीग में जरूर रोटेट कर लीजिएगा। नीचे देखिए दोस्तों स्वरूप विशाल जो टीम के सबसे बेहतरीन बॉलर चल रहे हैं इस समय रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग, लेफ्ट आर्म पेसर है, लास्ट गेम में जरूर विकेट ले रहे हैं, लेकिन उसको पहले 1 विकेट ने निकाला, फिर 2 विकेट निकाले, फिर 3 विकेट निकाले, तो बढ़िया पहुंच दी है, 6 विकेट ले चुके हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस टीम के मेन बॉलर्स की बात करें तो ऐसे हो गए सरफ उल्लाह, यहाँ पे देखेंगे राफत सनी, 2 बॉलर ही हो गए, तीसरे आपको देखेंगे उस्मान कादिर, चौथे देखेंगे ऐसे आपको तस्कीन में, तो 4 मेन बॉलर हैं, 5 बॉलर के रूप में टीम के पास कुछ ऑप्शन है, जैसे ऐसे हो गए मुसद्दक हुसैन और आपको ऊपर देखेंगे कुलबदीन ने, तो ये दोनों मिलकर आपको बाकी के 4 बॉल डालते नजर आएंगे, तो इस टीम के पास 5 मेन बॉलर हैं। यदि हम बात करें देश की और नए बॉल्स की तो वो कन्फर्म है सरफ उल्लाह और तस्कीन को ही शुरू में डालना चाहिए, और ये दोनों आपको देश में भी डालते हुए नजर आएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों हम इस मैच की टीम की, लेकिन एक बेंच में कुछ प्लेयर्स हैं, आप इनका भी चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो, बाकी बेंच में से यदि कोई भी प्लेयर खेलेगा तो मैं उसका स्टेटस टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो यदि आपने मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फाइनल अपडेट और फाइनल टीम के लिए आपने मेरे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करना है, जहाँ पर ऑलरेडी 24,000 दोस्त जुड़े हुए हैं, लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में, आपने जुड़ जाना है। आप हमें अपने टेलीग्राम पर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जाकर टेलीग्राम पर अपने सर्च करें @realfwp, आपको फैंसी बिन प्रोडक्शन का चैनल मिलेगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा फाइनल अपडेट के लिए। बात करते हैं इस मैच की टीम की दोस्तों, विकेट कीपिंग सेक्शन से मेरी टीम में रहने वाले हैं जाकिर हसन, यही बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि आपको टॉप ऑर्डर के अंदर बैटिंग करते नजर आएंगे। इनके अलावा दोस्तों यहाँ पे इरफान शुक्र करके का ऑप्शन है, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे रहता है, तो मेरे हिसाब से आप जाकिर के साथ जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो आप जाकिर को अपनी टीम में कवर करिए। बैटिंग सेक्शन में 3 प्लेयर लिए हैं दोस्तों, नाजमुल हुसैन तो मस्टर पिक रहेंगे, अच्छे बल्लेबाज हैं, हालांकि फॉर्म खराब चल रहा है, लेकिन मेरी टीम में रहने वाले हैं, मैं अपनी टीम में इनको लेके जाऊंगा, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। दोस्तों मेरी टीम में रहने वाले नईम शेख चूँकि काफ़ी बेहतरीन प्लेयर हैं और 4 में से 2 अच्छी इनिंग आई है, मेरी टीम में सैम अयूब कंफर्म रहेंगे, रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी मैचेस खेले हैं और बढ़िया बल्लेबाज हैं, स्पेशली लीग्स वगैरह में काफ़ी बढ़िया खेलते हैं, बड़े सोर्स लगाने के लिए जाने जाते हैं, तो मेरी टीम में जरूर रहेंगे, तो ये 3 प्लेयर मैं जरूर लेके जाऊँगा, तीनों ही मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जिसमें सैम अयूब और यहाँ से नाजमुल हुसैन संतो लगभग कन्फर्म है, हालांकि दोस्तों हैरी टेक्टर खेलेंगे तो ये भी बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, और यहाँ पे बर्ड वगैरह का बैटिंग ऑर्डर नीचे रहेगा। बात करें दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की, यहाँ से मैंने 4 प्लेयर लिए हैं, मुसद्दक हुसैन को मैं टॉस के पास चेंज कर सकता हूँ, लेकिन बाकी के जो 3 प्लेयर हैं उनमें मैं कोई छेड़खानी नहीं करूँगा, उसमें से नाम आता है दोस्तों बेनी हॉवेल का, नाम आता है समित पटेल का, नाम आता है गुलबदीन नेम का, तीनों को जरूर रखिएगा, तीनों बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, जिसमें बेनी हॉवेल और समित पटेल का 4 ओवर बॉलिंग भी लगभग कन्फर्म रहेगा। मुसद्दक हुसैन आजकल बॉलिंग ठीक ठाक करके जा रहे हैं 2 से 3 ओवर, बस यही कारण है मैं अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ, हालांकि अभी तक कुछ कास्ट नहीं किया। बॉलिंग सेक्शन की बात करें, तस्कीन इंपॉर्टेंट है, इंग्रावा इंपॉर्टेंट है, बाकी सरफुल इस्लाम भी बॉलिंग फर्स्ट में कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे विकल्प हैं, रखिएगा जरूर। तो 3 बॉलर के साथ जा रहा हूँ, यहाँ पे 1-2 अच्छे ऑप्शन और हैं, उस्मान कादरी को आप ट्राई कर सकते हो, नईम हसन को ट्राई कर सकते हो, नीचे आपको दिख रहे हैं, और आफत सनी भी ठीक ठाक आपके लिए ऑप्शन रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों हम कैप्टन वाइस कैप्टन और टीम की फाइनल प्रीव्यू की, बाकी दोस्तों कैप्टन ने कर रखा है बेनी हॉवेल को, और दोस्तों वाइस कैप्टन हमारी टीम के रहने वाले हैं समित पटेल, तो समित पटेल और बेनी हॉवेल दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, दोनों ही एक ही टीम के प्लेयर्स हैं, लेकिन बस ये है कि इन दोनों का बैटिंग ऑर्डर, बेनी हॉवेल थोड़ा सा ऊपर आएंगे, समित पटेल थोड़ा सा नीचे आएंगे, लेकिन इन दोनों 4-4 अपना बॉलिंग ओवर आपको डालते हुए दिखेंगे, बस यही कारण है इन दोनों को मैं CBC बना के जा रहा हूँ। इन दोनों के अलावा 1-2 अच्छे ऑप्शन और हैं जिन्हें आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, देखिए उन 1-2 अच्छे ऑप्शन में थोड़ा सा रिस्की हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा, गुलबदीन नैब को आप जेल में CBC करिएगा, जो कि टॉप ऑर्डर के अंदर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, कुछ और की बॉलिंग करके जा सकते हैं। बॉलिंग से यदि पहले बॉलिंग आता है दोस्तों सिलाट स्ट्राइकर्स का, तो उनके दृष्ट बॉलर रिचार्ड इंग्रावा पहले बॉलिंग करती थी, या तो डोडंटो ढागा, तो सरफुल इस्लाम और तस्कील अहमद, तो इन दोनों को आप ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करिएगा, कुछ ग्रैंड लीग के CBC के ऑप्शन थे, बाकी स्मॉल लीग के अंदर मुझे यहाँ से बेनी हॉल और समित पटेल ही अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं, जिनको मैंने CBC कर दिया है, हालांकि आपको जो मैंने ऑप्शन दिया आप उनमें भी ट्राई कर सकते हैं। तो मेरा स्मॉल लीग की टीम रहने वाला है, टीम में कुछ भी चेंजेस करता हूं टॉस के बाद, तो फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, यदि हमें टेलीग्राम पे आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, फाइनल अपडेट के लिए लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में, आपने आकर जुड़ जाना। ऑलरेडी दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर 24,000 दोस्त जुड़े हुए, तो आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।